तो नॉर्मली आप सभी को पता है कि मैं कैसे वीडियो शुरू करता हूँ, मेरा जो स्टाइल है वीडियो शुरू करने का। लेकिन आज वैसे ही वीडियो शुरू करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपके साथ क्या हुआ, जब वो फाइट हुई थी, इन्होंने जो मेरे ऊपर अटैक किया है, मेरी इंसल्ट की है मुझे बुला के, तो बहुत से लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आज आपको इसी वीडियो में मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि पूरा क्या हुआ था। तो पूरी वीडियो बनी हुई है उसकी, तो पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था और वो पूरी वीडियो नहीं थी। और इस समय मैं दुखी भी बहुत ज्यादा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए इस समय और क्या डिसीजन सही है, क्या डिसीजन गलत है, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई आप दुखी मत हो, हम आपके साथ हैं। और बहुत बंदे बोल रहे हैं यार देखो, मैंने आप सभी के कहने पे ही इस जोगिंदर और इसके भाई के ऊपर विश्वास किया था, क्योंकि मैं ऐसे जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। लेकिन आप लोग सब्सक्राइबर, आपको पता है कि यार मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप सभी को इस बात का पता है कि मैं आपकी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैंने अपनी वीडियोस में भी दिखाया, कोई भी अगर आपको गलत बोलता था तो मैंने उसका टपा टप किया है पूरा। तो सॉरी, मेरा इस समय थोड़ा गला भर रहा है भाई अभी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई कि आप सभी के कहने पे मैंने उस पर इतना ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करके इतनी दूर ट्रैवल करके मैं गया। और मेरे आज तक रेसलिंग के करियर में मुझे 6-7 साल हो चुके हैं रेसलिंग करते हुए, कभी भी मेरी किसी ने इतनी इंसल्ट नहीं की, मुझे बुला के मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तो मुझे बहुत बुरा भी फील हो रहा है। और रही बात उस चैंपियनशिप टाइटल की, तो चैंपियनशिप टाइटल तो मैं उसे खुद ही वापस कर रहा था। अगर उसे टाइटल चाहिए था तो भाई मैं उसको वापस कर रहा था, लेकिन वो ऐसे वापस लेना चाहता था, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और बार बार बोल रहा था कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, सरप्राइज दूंगा, तो मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी भाई। और मैंने आप सभी के कहने पे ही ये चीजें की है। आप ही बार बार सारे बोल रहे थे यार टीम बैड एटीट्यूड वाले कि भाई इस पे विश्वास करो, अपना गाना डिलीट कर दो, अभी इसके ऊपर वीडियो मत बनाओ। तो मैं एक चीज आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जोगिंदर को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जोगिंदर को कुत्ता भी नहीं जानता था इंडिया में, और आज जोगिंदर इतना फेमस है, अगर उसका सॉन्ग आता है तो उस पे 10-10 मिलियन व्यू हो जाते हैं। तो किसने उसको इतना फेमस किया है? यूट्यूब वालों ने। अगर यूट्यूब के बंदे उस पे रोस्ट नहीं करते, रोस्ट की वीडियो नहीं बनाते, तो क्या जोगिंदर फेमस हो पाता? ऐसे ऐसे करके कि थारा भाई जोगिंदर इतने केले ले लेगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। तो क्या ऐसी बातें करके कोई बंदा फेमस हो सकता है? ऐसी बातें करके क्या ये टैलेंट है? वो बोलता है कि यूट्यूब वालों के अपना पास अपना क्या है, जोगिंदर टैलेंटेड था, आप लोग बोल रहे जोगिंदर को सपोर्ट करो, तो ये ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाना क्या यार, वो टैलेंट होता है? जोगिंदर को ये चीज नहीं बोलनी चाहिए कि आज अगर वो कुछ भी है ना, अगर उसको कुछ लोग जानते हैं इंडिया में, तो सिर्फ यूट्यूबरों की वजह से। अगर यूट्यूब वाले उस पर रोस्ट नहीं ना बनाते तो कुछ भी नहीं था। वो उसने जानबूझ के ऐसी हरकतें की है कि उस पे लोगों ने रोस्ट बनाया, फिर वो खुश होता था, सबको बेवकूफ बनाता था। और उसकी सच्चाई अब सामने आ चुकी है, अभी आप सभी को पता चल चुका है कि वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और सबसे ज्यादा मुझे दुख यही हुआ कि यार मैं आप सभी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मैंने आप लोगों के कहने पे उस पे विश्वास किया और उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतनी इंसल्ट की। बेल्ट तो चलो छीन ली, मैं तो बेल्ट पहले ही देने के लिए तैयार था उसको। बेल्ट अगर उसको चैंपियनशिप बेल्ट चाहिए थी तो भाई ले लेता, मैंने कब मना किया था? मैं तो खुद बोल रहा था कि मैं बेल्ट उसे वापस देने के लिए तैयार हूं। मैं तो दोस्ती के तौर पर गया था, दोस्ती का हाथ बढ़ाने की। यार हमारे टीम बैड एटीट्यूड वालों ने बोला है कि भाई इस चीज को यहीं पे खत्म कर दो, तो मैंने गाना भी डिलीट किया, इतना ट्रैवल भी करके गया, सारा कुछ किया, और फिर भी उन लोगों ने ऐसी हरकत की मेरे साथ। मुझे इस समय बहुत बुरा लग रहा है भाई, और मुझे अभी कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूं, कैसे वीडियो बनाऊं। अभी पता नहीं मैं ये वीडियो को अपलोड करूंगा कि नहीं करूंगा। मैंने बना तो लिया ये वीडियो, अभी मैं श्योर नहीं हूं कि इसको अपलोड कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी कभी वीडियो बनाता नहीं हूं, आपको भी पता है। लेकिन इस समय मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है जो उन्होंने मेरे साथ किया है, इंसल्ट की है मेरी। तो ठीक है भाई, आप लोग वीडियो देखो, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता हूं जो कुछ भी हुआ है। और
फिर मैं अभी देखता हूँ यार क्या करना है आगे, क्या नहीं करना, क्योंकि मुझे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो आप वीडियो देखो, फिर मैं देखूंगा, दोबारा लाइव आया तो लाइव आके आप सभी से बात करूंगा। तो फिलहाल आप यार ये वीडियो देखो। मेरे दोस्त सुपर खालसा जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा रिंग के अंदर, क्योंकि मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मेरी और उनकी थोड़ा सा फाइट हो गई थी, तो मैं चाहूंगा सुपर खालसा आप आए रिंग में और मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं यहां पे। सुपर खालसा तो आज से एक हफ्ता पहले मेरी और इन भाई की लड़ाई हुई थी इस चैंपियनशिप के लिए, लेकिन आज हम सारी दुश्मनी यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। और इस भाई ने मुझे स्पेशली यहाँ पे इनवाइट किया है और इन्होंने मुझे सम्मानित करना चाहते हैं, तो मैं बहुत बहुत थैंक कहता हूँ। और जो भी हमारी दुश्मनी है, आज इस दुश्मनी को हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। मेरी बेल्ट है और इसे मैं ही लेके जाऊंगा।